भारत में क्लीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर अरबपति बन सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में कि क्लीन एनर्जी है क्या। आप जान लीजिए कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है। भारत में सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है थर्मल पावर, जो भारत के लगभग 71.5% जो हमारा बिजली की जो उत्पादन होती है उसका खपत करने में बहुत बड़ा योगदान है। थर्मल पावर भारत का सबसे बड़ा स्रोत है और इस स्रोत में आपको एक सीमित साधन है, पेट्रोलियम और कोयले। पेट्रोलियम और कोयले समाप्त होने के बाद क्या होगा इस दुनिया का, भारत इसमें सोचने में दूसरा स्थान विश्व में अपनाया है और दूसरे स्थान पे आ गया है। अब ये क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरडेटेक मुंबई MBA BK सिंह क्यों कह रहे हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट किए तो आप आने वाले समय में अरबपति ही नहीं खरबपति बन सकते हैं सिर्फ 10 सालों में, 100% आप जान लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि क्लीन एनर्जी है क्या और क्लीन एनर्जी का क्यों ज़रूरी है हमारे भारत में, क्योंकि हम आत्मनिर्भर अगर बनना चाहते हैं तो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी बहुत ही ज़रूरत है। एनर्जी आप बहुत जानते होंगे, पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, उसी तरह एक क्लीन एनर्जी भी है। सन हीट वार्मिंग वाटर पांच स्रोत ने दिया है उससे हम इस सेक्टर का निर्माण करते हैं और ये जिसको अक्षय ऊर्जा भी करते कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एक बहुत बड़े भारत इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने इन्वेस्ट किया है क्लीन गौतम अडानी में भी, उनसे डबल उनसे दोगुना इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले। दस हजार शेयर आपने ले लिया अभी बहुत ही कम है, सिर्फ 11 रुपया है। 11 रुपया का शेयर ये आपको कैसे बनाएगा अरबपति, हम इस वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। अगर पहली बार इंट्राडे टेक मुंबई पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा इस तरह का वीडियो जरूर, पिछला वीडियो देखिए, और पहली बार आए हैं तो आपको हम रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिए तो उनको दिल से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और हमारा वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि ये आपको क्लीन एनर्जी के बारे में कि कौन सा सेक्टर है, क्या नाम है उस शेयर का, वो हम जरूर इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि आप ये बता दीजिए हमें कि ये बिजली से चलने वाले, इलेक्ट्रिक से चलने वाले पावर जो हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे घर, हमारे वाहन, जितने भी हमारे डेवलपमेंट के और कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, चाहे वो फ्री लाइट हो, मोटर हो, मोटरसाइकिल हो, कारें हो, एसी हो, या हमारी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आने वाले सेक्टर में कोई आम बात नहीं है कि इतने बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं।
परिवर्तित करेंगे अच्छे ऊर्जा के रूप में, रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी का नाम सुने होंगे आप, पावर सेक्टर का नाम सुने होंगे, सोलर सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक हैं, पावर सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक हैं, ग्रीन एनर्जी में बहुत सारे स्टॉक हैं, उसी तरह अब रिन्यूएबल एनर्जी का भी समय आ गया है और शुरू हो गया है। जो पिछले दशकों से कंपनी घाटे में चल रही है, अब वो हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टर है वही करो, जो किया है 10 साल पहले जिस कंपनी में, वो अब उनका रिजल्ट मिलने वाला है। और यही होता है कि अब क्या होगा कि अपर सर्किट, लोग बोलते हैं कि ये सर्किट लगाता है, अपर सर्किट लगाने का मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट जो पहले से किए हुए हैं उनका तो बेनिफिट मिलना चाहिए। क्यों? अगर जो 10 सालों से इन्वेस्ट किया है तो उसका बेनिफिट जरूर मिले, और उस स्तर पर पहुंच जाता है जो पहले से लगा कर रखे हैं और पेशेंस रखे हैं, उनको अपर सर्किट जो लगता है उसमें उनका बेनिफिट। आपको हम बता देते हैं कि ये सेक्टर आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। उस सेक्टर का नाम लेने से पहले हम आपको बता दें कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है और ये क्लीन इंडिया और ग्रीन इन इंडिया का जो मिशन है इसके अंतर्गत ये सेक्टर काम कर रही है, और ये शेयर भी उसी से रिलेटिव है। और ये 11 रुपया का शेयर जो अभी है, ये हम एडवाइस करते हैं इंटरडेटेक मुंबई MBA BK सिंह कि ये शेयर और ये स्टॉक आप अपने जीवन में अभी से 10 साल तक के लिए, अगर कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है, तो इकट्ठे आप ले लीजिए 10,000 शेयर, और नहीं तो हर महीने आप 1,000 शेयर, नहीं तो 100 शेयर आप हर महीना लेते रहिए, हर दिन लेते रहिए, और 10 साल के बाद एक SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है। क्यों? कि ये शेयर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और ये जो सेक्टर है आपको ये माला माल करने वाला है। क्यों? कि ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इस शेयर आपके बस में अभी है, सिर्फ 11 रुपया का शेयर है, और ये इसमें बहुत बड़े इंडस्ट्रीज जो अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी जो हैं वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इस शेयर का नाम भी हम ज़रूर आपको बता देंगे। ये है आपको क्लीन एनर्जी, और इसका नाम है इंड क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, इंड रिन्यूएबल एनर्जी इस शेयर का नाम है, और ये आप डायरी में लिख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका कोड के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये बहुत बड़ा स्टॉक होने वाला है, ये आप 100% जान लीजिए कि ये शेयर क्लीन एनर्जी का बहुत बड़ा स्टॉक, आपको अगर करोड़पति नहीं अरबपति बनना है तो इस शेयर में SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ये फिर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। ये हमारा एडवाइस है देश के हित में और आपके हित में भी। हमारा मिशन है कि हर एक भारतवासी को जो शेयर मार्केट में कुछ नहीं जानते हैं ABCD, उनको अपनी भाषा में बताने की कोशिश करते हैं, और हमने मिशन उठाया है कि हम हर एक आदमी को शेयर मार्केट की जानकारी जरूर देंगे जब तक हम हैं और ये इंटरडेटेक मुंबई है। चलिए, हम सभी दोस्तों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो हमारा ये वीडियो पूरा अच्छी तरह सुने समझे, और आपकी शुभकामना हमारे साथ और हमारी शुभकामना आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।